अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन आंसर। अपनी नोटबुक ओपन करें, मार्जिन लाइन ड्रॉ करें, डेट एंड डे मेंशन करें और मेरे साथ साथ लिखना शुरू करें। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने योम दिफा अपना चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। कल हम लोगों ने बुक वर्क किया था और आज हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आप लोग जो हो 604 से अपना फर्स्ट क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करो। यौम दिफा क्यों मनाया जाता है? जी स्टूडेंट, तो आपने इसका आंसर जो है पेन से लिखना स्टार्ट करना है और मिड में जो वर्ड्स हाईलाइट हैं उनको राउंड ट्रिप मार्कर से हाईलाइट करने हैं। 1965 की एक अंधेरी रात हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। पाकिस्तान की बहादुर फौज ने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। इस कारनामे की याद ताज़ा करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। जी स्टूडेंट्स, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाहौर में यौम दिफा की तकरीब कहाँ मुनाक़िद हुई? जी, इसका आंसर है लाहौर में यौम दिफा की तकरीब फोर्ट्रेस स्टेडियम में मुनाक़िद की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिज़ा किस चीज़ से गूंज रही थी? स्टूडेंट्स, हम लोगों ने रीडिंग में पढ़ा था ना कि फिज़ा जो है लाउड स्पीकर पर नशर होने वाले तरानों से गूंज रही थी। मतलब पूरा जो वहाँ पे समा था वो बहुत अच्छा माहौल एक बना हुआ था और वहाँ पे हर तरफ तरानों की आवाज़ गूंज रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तकरीब का बकायदा आगाज़ तलावत कुरान पाक से हुआ। तिलावत और नात के बाद क्या पढ़ा गया? तिलावत और नात के बाद कौमी तराना पढ़ा गया। जी, लास्ट क्वेश्चन है आपका, नाजरीन ने फौजी जवानों को किस तरह दादे तहसीन दी? नाजरीन ने जोश से तालियां बजाकर फौजियों को दादे तहसीन दी। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा होगा इस जो पेज पर मैंने वर्ड्स हाईलाइट नहीं किए हुए, बट आप लोगों ने करने हैं या आप लोग ख़ुद से अब करना स्टार्ट कर दें, इस तरह आपको आ जाएगा करना। वर्ड्स हाईलाइट करने का बहुत आसान तरीका है, जब आप बात करते हो तो जिस बात पर वज़न आता है उन वो अल्फाज आपने हाईलाइट करना होता है। और इम्पोर्टेंट जिस तरह कोई डेट है तो डेट आप हाईलाइट करोगे, इसी तरह अगर किसी सिटी का नेम मेंशन है आप उसको हाईलाइट कर दोगे। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, लाहौर में यौम दिफा की तकरीब, अब देखो किस पे वर्ड जोर आया ना खुद ब खुद, यौम दिफा हमने बोला है तो यौम दिफा हाईलाइट हो जाएगा। फोर्ट्रेस स्टेडियम में मुनक्किद की जाती है, मुनक्किद हाईलाइट हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट आप देखें, फिज़ा लाउड स्पीकर पर, लाउड स्पीकर हमने जो है ज़ोर देकर पढ़ा है, पर नशर होने वाले तरानों से गूंज रही थी, गूंज हमने हाईलाइट करना है। इसी तरह बाकी ये 3 क्वेश्चंस का आप खुद हाईलाइट करोगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।